लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने पर बिहार में आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ऐसे में कल महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंचे थे। आज वो शताब्दी समारोह में शिरकत किए हैं, हिस्सा लिए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। ऐसे में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका संबोधन किया तो उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बताई और बहुत कुछ कहा। उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जिसे सुनकर महामहिम राष्ट्रपति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो ऐसा क्या कह रहे थे, इसके लिए आप पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए। कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के बाद उसके उपलक्ष में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है। और इस अवसर पर जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहां आने का समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि आज वो यहां पधारे। और उनसे तो यहां का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। और उसके बाद पहले भी एक राज्यपाल बने, लेकिन जो वो बने स्वर्गीय जाकिर हुसैन साहब, वो पहले यहाँ राज्यपाल थे बहुत पहले, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति बने और तब वो राष्ट्रपति बने। लेकिन हमारे श्रद्धेय रामनाथ कोविंद साहब तो राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने, तो ये कोई मामूली बात है। और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हुई है तो हम लोगों को तो बेहद खुशी होती है। और यहाँ पर कई बार आने का मौका मिला, हम लोगों ने आमंत्रित किया। राष्ट्रपति जब बने उसके बाद इनको पहली बार कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया। जो तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत हम लोगों को करवानी थी तो वो इन्होंने 9 नवंबर 2017 से किया। इसके बाद ये खुद आए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के, इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये पधारे 15 नवंबर 2018 को। और फिर हमने इनसे विशेष तौर पर मिल करके आग्रह किया और इसको इन्होंने स्वीकार किया। और इसके लिए जो विश्व शांति स्तूप राजगीर में है उसका 50वां वार्षिकोत्सव था, उसके लिए ये 25 अक्टूबर 2019 को पधारे। और जो विश्व शांति स्तूप बना, फुजी गुरु जी ने इसका निर्माण कराया, जापान के हैं और कितना बार वो भारत में रहते थे आज़ादी के पहले, और उनका कितनी बड़ी भूमिका थी, और उन्होंने जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया और उसका शिलान्यास 6 मार्च 1965 को उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। और जब बन करके वो तैयार हो गया तो 25 अक्टूबर 1969 को उसका उद्घाटन किया था उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी ने। और इसलिए सब लोगों की इच्छा थी कि आज 50 साल पूरा हो रहा है और फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम पर आना चाहिए। तो हम गए थे, इन्होंने हम लोगों की बात को स्वीकार किया और आए, और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, सब लोगों को इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई। तो आज यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए हम सब लोगों को बड़ी खुशी है। और यहाँ पर हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने, विजय कुमार सिन्हा जी ने, बहुत सारी बातें रख दी हैं यहाँ के बारे में।
और आप सबको जानते ही हैं कि आखिरकार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था बिहार, उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी उसका हिस्सा था। और उसी समय से, और जब बाद में हम लोगों को अवसर मिला तो 22 मार्च को हम लोगों ने 2009 से ही कार्यक्रम करना शुरू किया, जो बिहार दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया है। और इसके अलावे जब ये 2009 से हम लोगों ने शुरू किया और 2012 में 100 साल पूरा होने के बाद जो कार्यक्रम जबरदस्त हुआ, लेकिन इसी बीच में जो हमारे उस समय बिहार विधान परिषद के उस समय के जो माननीय महत्वपूर्ण सभापति थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने, उन्होंने इतना मेहनत किया, उसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए, कितना मेहनत किया उन्होंने। और उसके बाद जो विधायी परिषद बना था उसके लिए 22 मार्च तो आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि ये तो सब जानते हैं, ये राष्ट्रपति हमारे राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार में राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन आज भी हम इन्हें बिहारी ही कहते हैं। और इतना सुनते ही महामहिम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वहां बैठे जो सभा में बैठे जो भी लोग थे, जो भी शताब्दी समारोह में जो भी नेता और जो भी मंत्री हिस्सा ले रहे हैं वो सब तालियां बजाने लगे और मुस्कुराने लगे। लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।